हेलो फ्रेंड्स, पेबल्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और पोस्ट पोजिशनिंग वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, उनका मीनिंग क्या है वो सीखेंगे, और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के वास्ते, के वास्ते मीन्स फॉर। सो दिस इज वन वर्ड, समटाइम्स आपको ये सिर्फ ये वर्ड आएगा तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट होगा, अगर ये वर्ड आएगा तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट आएगा। सो रवि के वास्ते मैंने मदद की। रवि के वास्ते मैंने मदद की, इसका मतलब है फॉर रवि आई हेल्प्ड हिम और हर। ओके, नाउ इफ यू रिमूव दिस वर्ड आई कैन मेक अनदर सेंटेंस, मेरे वास्ते मदद करो। सो यू कैन यूज मेरे, इफ आई यूज दिस, मेरे वास्ते मदद करो। सो दैट इज अनदर वर्ड, अनदर सेंटेंस यू कैन मेक विदाउट के वास्ते। ओके, सो सो के वास्ते मीन्स फॉर रवि के वास्ते मैंने मदद की। सो फॉर रवि आई हेल्प्ड। के बराबर, के बराबर मीन्स इक्वल टू, के बराबर इक्वल टू। हनुमान के बराबर कोई नहीं। सो हनुमान के बराबर कोई नहीं, इट मीन्स देर इज नोबडी इक्वल टू हनुमान, और आई थिंक इन साउथ इट इज कॉल्ड आंजनेया। सो नोबडी इज इक्वल टू हनुमान विथ हिज इंटेलिजेंस, विथ हिज स्ट्रेंथ, विथ हिज पावर। सो हनुमान के बराबर कोई नहीं। नाउ दिस मीन्स के खिलाफ, के खिलाफ मीन्स अगेंस्ट और अपोज्ड, अपोज्ड। के खिलाफ मीन्स अगेंस्ट और अपोज्ड टू। एंड देर इज वन मोर वर्ड कॉल्ड के विरुद्ध, के विरुद्ध एंड के खिलाफ, दे बोथ मीन द सेम थिंग, अगेंस्ट और अपोज्ड टू। माँ बाप के खिलाफ या के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सो इट मीन्स यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, और यू शुड नॉट बी अपोज टू योर पेरेंट्स। यू मस्ट लिसन टू पेरेंट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज दे हैव लुक्ड आफ्टर यू अनकंडीशनली। सो दिस इज वॉट इट मीन्स, लेट अस डू देम अगेन। For more post positioning words, के वास्ते means for रवि, के वास्ते मैंने मदद की, for रवि I helped, and you can also use this sentence without this, मैंने, मैं के वास्ते, के वास्ते के बदले मेरे वास्ते मदद करो, that means for me you help। हनुमान के बराबर कोई नहीं, के बराबर मीन्स इक्वल टू हनुमान के बराबर कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज के खिलाफ एंड के विरोध, दे बोथ मीन अगेंस्ट और अपोज टू। माँ बाप, माँ बाप, के खिलाफ और के विरोध नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज अ सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर दिस positioning words.